Hello guys, welcome back to the YouTube channel of Wings Take Udaan. My name is Mehreen Sayed and I welcome you back on my chemistry series lectures. ये मेरा chemistry का third lecture है and if you are somebody new जो ये पहली बार देख रहा है तो I would recommend जो हमारा description box है उसमें आपको हमारे जो मेरे जो lectures हैं पुराने वो आपको मिल जाएंगे. I would suggest आप लोग पहले वो lectures देखिए क्योंकि आपको ऐसे ये lecture समझ नहीं आएगा. सो गाइज, जैसे आप लोगों ने देखा लास्ट लेक्चर तक हमने ये कंटिन्यू किया था स्टेट्स ऑफ मैटर, हाउ टू चेंज स्टेट्स ऑफ मैटर. उसके बाद हमने जो टॉपिक है वो एंड किया था केमिकल रिएक्शंस पे. केमिकल रिएक्शन के बारे में मैंने आपको बोला था कि जब एक या एक से ज़्यादा सब्सटेंस जो है आपस में रिएक्ट करते हैं और जब रिएक्ट करते हैं और एक नया सब्सटेंस बनाते हैं तो उस प्रोसेस को हम केमिकल रिएक्शन बोलते हैं. उस टाइम पे मैंने आपको थोड़ा सा जो है उसके बारे में बताया था. आई वाजंट लाइक इन मच डिटेल मैंने आपको कुछ बताया नहीं था. आज हम केमिकल रिएक्शन से ही आगे कंटिन्यू करेंगे और इसके बारे में आगे जानेंगे कि केमिकल रिएक्शन जो है वो कौन सी चेंज होती है और हमारा इससे कैसे यूज़ होता है और आपका जो एग्ज़ाम है उसमें इसके बेसिस पे कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं. ऑलराइट, सो लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड. वेल, दिस इज केमिकल रिएक्शन. किसी को कन्फ्यूजन ना हो, ये RxN का मतलब रिएक्शन है. ओके, तो लास्ट टाइम एज आई सेड केमिकल रिएक्शन वो प्रोसेस है जिसमें एक या एक से ज़्यादा सब्सटेंस जो है वो रिएक्ट करके एक नया सब्सटेंस बनाते हैं और जो ये नया सब्सटेंस होता है इसकी प्रॉपर्टीज जो है पहले वाले रिएक्टेंट से बिल्कुल डिफरेंट होती है. ऑलराइट, मतलब ये जब आपने दो सब्सटेंस को रिएक्ट करवाया और वो रिएक्ट करे और एक नया प्रोडक्ट बनाया, आपका जो प्रोडक्ट होगा वो बिल्कुल डिफरेंट होगा. जैसे मैंने एक एग्जांपल यहाँ पर कोट किया है, ये जो सी है यहाँ पे ये कार्बन है हमारा. ऑलराइट, कार्बन एस मैंने ब्रैकेट में लिखा है. एस का मतलब जो है केमिकल, ये जो फॉर्म मैंने लिखा है, सबसे पहले ये जो फॉर्म मैंने लिखा है, आई वॉन्ट टू टेल यू गाइज, इस फॉर्म को हम केमिकल इक्वेशन कहते हैं. जब भी आपको जो है केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करना होता है डेली लाइफ में, हम इसे केमिकल इक्वेशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं जिसमें हम सब्सटेंसेस का नाम जो है सिंबल्स में लेते हैं. जैसे यहाँ पे कार्बन का जो है मैंने सी लिया है, ये कार्बन का सिंबल है सी, और इसका स्टेट मैंने एस लिखा है, यानी आपका जो कार्बन है यहाँ पे सॉलिड फॉर्म में होगा, और मैंने ऑक्सीजन को रिएक्ट करवाया इसके साथ या जो हमारा गैसियस स्टेट में होगा. कार्बन और ऑक्सीजन जब रिएक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड होगा. ऑलराइट, दिस इज बेसिकली ये हमारा बर्निंग का एग्जांपल है, जो हमारा बर्निंग ऑफ वुड होता है ये उसका एग्जांपल है. तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये दोनों चीज़ें रिएक्ट करी. जैसे आप ले लो वुड को ले लो, उसको आपने उसको बर्न किया, उसके बाद आपका जो बाद में आफ्टर प्रोडक्ट होता है वो आपको एश्स मिलता है और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो गैस के फॉर्म में सराउंडिंग में चला जाता है, साथ में कुछ वाटर वेपर्स भी बाहर आते हैं. मेरा कहने का मतलब ये है कि स्टार्ट आपने चारकोल से या वुड से किया और ऑक्सीजन से किया, लेकिन बाद में जो आपका प्रोडक्ट आया वो बिल्कुल डिफरेंट था. यानी रिएक्टेंट्स जो इस साइड से, जो रिएक्शन के लेफ्ट साइड से होते हैं, इन्हें हम रिएक्टेंट्स कहते हैं. सो कार्बन एंड ऑक्सीजन ये दोनों आपके क्या रहेंगे, ये रिएक्टेंट्स रहेंगे. और ये जो आपका यहां पर आया एरो के इस साइड से, ये हमारा रहेगा गाइस प्रोडक्ट, हमारा जो केमिकल रिएक्शन है. केमिकल रिएक्शन को हम फिजिकल मेथड से चेंज नहीं कर सकते. केमिकल रिएक्शन को हम फिजिकल मेथड से चेंज नहीं कर सकते. लेट मी गेट इट लाइक मेक इट वेरी सिंपल कि आपको समझ आए कि मैं केमिकल रिएक्शन को फिजिकल मेथड से सिंपल नहीं कर सकते. व्हाट डज इट मीन, सिंस आई सेड दिस एग्जांपल कि जैसे आपने वुड को बर्न किया, राइट, अब जो वुड बर्न करके एशेस में टर्न हो गया, एशेस में टर्न हो गया, क्या आप एशेस को वापस वुड में कन्वर्ट कर सकते हो फिजिकल मेथड से? नहीं, पॉसिबल है. जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है कुछ फिजिकल मेथड्स का नाम मैंने लिया है, जैसे फिल्ट्रेशन, मैग्नेटिज्म और इवोपरेशन, ये हमारे फिजिकल मेथड्स हैं. जैसे फिल्ट्रेशन के बारे में मैं बात करती हूँ, अगर आप पानी के अंदर जो है सैंड डालते हो, अगर आपको चेक करना है ये केमिकल रिएक्शन था या नहीं, अगर एक ग्लास लेते हो आप, ग्लास के ऊपर आप फिल्टर पेपर डालते हो और जिस पानी में सैंड था उस फिल्टर पेपर में से उस पानी वाले सैंड वाले पानी को पास करवाते हो, तो आप देख सकते हो ऊपर जो फिल्टर पेपर है उसके ऊपर सैंड आ जाएगा और पानी नीचे निकल जाएगा. लेकिन इसका क्या मतलब, इसका मतलब यहाँ पर जो आपका ये जो चेंज था ये फिजिकल चेंज नहीं, ये केमिकल चेंज नहीं था, ये केमिकल रिएक्शन नहीं थी. अगर ये केमिकल रिएक्शन होती तो ऐसे जो आपने सेपरेशन किया, रिएक्टेंट्स का सेपरेशन किया, जैसे आपने सैंड को अलग किया, आपने वाटर को अलग किया, वो पॉसिबल नहीं हो पाता है. तो हम ये कहते हैं जो आपका केमिकल रिएक्शन होता है, जो ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक या एक से ज़्यादा सब्सटेंस जो है नया सब्सटेंस बनाते हैं, इसमें जो है फिजिकल मेथड से सेपरेशन नहीं हो सकता. फिजिकल मेथड जैसे हमारा
फिल्ट्रेशन जिसके बारे में मैंने अभी आपको बोला, या मैग्नेटिज्म की बात करो। मैग्नेटिज्म के बारे में अगर मैं बात करूँ, अगर आप आयरन डस्ट लेंगे, आयरन डस्ट आयरन के छोटे छोटे पीसेस लेंगे, अगर वो कहीं जमीन में मिट्टी में होंगे, अगर आप एक मैग्नेट लाएंगे, आप मैग्नेट के पास उस आयरन डस्ट को रखेंगे, आप देखोगे उसमें से आयरन बाहर निकल जाएगा और डस्ट पीछे छूट जाएगा। मतलब आपने रिएक्टेंट्स को सेपरेट कर दिया। जब ऐसा पॉसिबल हो कि आपके प्रोडक्ट में रिएक्टेंट को जो है फिजिकल मेथड से आप सेपरेट कर पाओ, तो वो आपका केमिकल रिएक्शन नहीं होता। केमिकल रिएक्शन वो रिएक्शन है जहां पर आपका सेपरेशन जो है फिजिकल मेथड से पॉसिबल नहीं है। इज इट क्लियर? ऑलराइट, अब हमें आगे देखना है कि केमिकल रिएक्शन होने पे हमें हमारी कौन कौन सी चेंज्स आती है, हमारी जो सब्सटेंस है उसमें कौन कौन सी चेंज्स आती है। ऑलराइट, सबसे पहला पॉइंट मैंने लिखा है चेंज इन स्टेट। स्टेट के बारे में हमने बात की है, बहुत डिटेल में बात की है, सॉलिड्स लिक्विड्स गैस, चेंज इन स्टेट अगेन। यानी केमिकल रिएक्शन होने पे कभी कभी आपका जो रिएक्टेंट का जो है स्टेट चेंज हो जाएगा। दिस इज नॉट नेसेसरीली कि हमेशा हो जाए, बट कभी कभी आपका स्टेट जो है चेंज हो सकता है। जैसे आप यहां पर देख सकते हो, एक आपका रिएक्टेंट सॉलिड था, एक रिएक्टेंट आपका गैस था, और आपका जो प्रोडक्ट है वो गैसियस है बिल्कुल। ऑलराइट, सो केमिकल रिएक्शन होने पे आपका जो है स्टेट के स्टेट में जो है चेंज आ सकता है। जरूरी नहीं है हर बार आए, बट आ सकता है। दूसरा पॉइंट है हमारा कलर। कभी कभी क्या होता है, रिएक्टेंट्स का एक कलर होगा लेकिन आपके जो प्रोडक्ट्स हैं उनका डिफरेंट कलर होगा। ऑलराइट, हमारे रिएक्टेंट्स का एक कलर होगा और हमारे प्रोडक्ट्स का दूसरा कलर होगा, ऐसा भी पॉसिबल है। अगेन मैं ये बात बोल रही हूँ कि इट इज़ नॉट नेसेसरली ऑलवेज, कभी कभी हो सकता है, कभी नहीं हो सकता है। ऑलराइट, थर्ड पॉइंट मैंने लिखा है चेंज इन टेम्परेचर। कभी कभी क्या होगा कि आप जब रिएक्टेंट्स को रिएक्ट करवा रहे हो, जो रिएक्टेंट साइड से, अगेन दिस वन, ये आपका रिएक्टेंट साइड है, रिएक्टेंट साइड से आपका एक टेम्परेचर होगा और प्रोडक्ट वाली साइड से आपका दूसरा टेम्परेचर होगा। यानी कि ये चाहे जो आपका जो केमिकल रिएक्शन होता है, कभी कभी उसमें स्टेट के बारे में हमने बात की, स्टेट भी चेंज हो सकता है, कभी उसका जो है कलर चेंज हो सकता है, और कभी उसका जो है टेम्परेचर भी चेंज हो सकता है। साथ में मैंने एक और पॉइंट डाला है, एवोल्यूशन ऑफ गैस। सो एवोल्यूशन ऑफ गैस, कभी कभी क्या होता है कि आप जो है रिएक्टेंट्स को रिएक्ट करवा रहे होंगे, प्रोडक्ट के साइड से प्रोडक्ट के साथ साथ जो है गैसेस भी एवॉल्व हो रही होंगी। जैसे मैंने बर्निंग ऑफ वुड की एग्जांपल ली, आप जो है चारकोल या वुड को जो है बर्न करोगे इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, आपका जो प्रोडक्ट आएगा वो एशेस आएंगे, राइट। लेकिन साथ में आप देख सकते हो कार्बन डाइऑक्साइड जो है हमारे एटमॉस्फेयर में आपको वो उड़ जाएगा, वो आपको दिखेगा नहीं बट उड़ जाएगा। ऑलराइट, मतलब देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बट आप उसे देख नहीं सकते, बट देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। सो देयर इज एक्चुअली एन एवोल्यूशन ऑफ गैस। आई वोंट से दिस इज नेसेसरी ऑल द टाइम, प्लीज आप इस बात को नोट कीजिए, दिस इज नॉट नेसेसरी ऑल द टाइम्स दैट देयर कुड बी द चेंज इन स्टेट, चेंज इन कलर और चेंज इन टेम्परेचर और एवोल्यूशन ऑफ गैस। इट जस्ट डिपेंड्स अपॉन द रिएक्शन, कौन सी किस टाइप की रिएक्शन है उस पर डिपेंड करता है कि उस टाइम पे स्टेट ऑफ चेंज हुआ, कलर चेंज हुआ, टेम्परेचर चेंज हुआ या नहीं हुआ। वेल, दिस वॉज केमिकल रिएक्शन, एंड आई बिलीव केमिकल रिएक्शन से अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, मुझे लगता है जो केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज, इनकी एग्जाम्पल्स के बारे में जो है आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। कोई भी एग्जाम्पल दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि बताइए ये जो एग्जाम्पल है, या क्या ये केमिकल चेंज है, क्या ये फिजिकल चेंज है, तो हमें सबसे पहले पता होना चाहिए केमिकल चेंज क्या है और फिजिकल चेंज क्या है। ऑलराइट, तो सबसे पहले मैंने लिखा है केमिकल चेंज। केमिकल नहीं, एक्चुअली सॉरी, उससे पहले मैंने केमिकल रिएक्शन दैट टेक प्लेस इन आवर डेली लाइफ लिखा है, बिकॉज आई फील इसमें भी शायद क्वेश्चंस बन सकते हैं कि कोई एग्जांपल आपको दिया होगा और उस पर बोला होगा कि बताइए डेली लाइफ की जो इसमें से कोई एग्जांपल बताइए डेली लाइफ की केमिकल रिएक्शन क्या है। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिखा है डाइजेशन ऑफ फूड, जो हमारी बॉडी के अंदर जब हम फूड अंदर हम खाते हैं तो वो डाइजेस्ट होके वो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। मैं अगेन आप सुन ले, जब भी रिएक्टेंट आपका जो डिफरेंट हो और जो प्रोडक्ट है वो बिल्कुल डिफरेंट हो, यानी रिएक्टेंट्स की कंपोजिशन जो है वो बिल्कुल चेंज हो जाए, तब हम मानते हैं वो क्या है, केमिकल रिएक्शन है। तो डेली लाइफ एग्जाम्पल ये हर दिन हमारे साथ होता है, हम खाना खाते हैं और हमारा जो खाना है वो एनर्जी में चेंज हो जाता है। दूसरा है रेस्पिरेशन, जो हम सांस लेते हैं, सांस का अंदर लेना, जब हम अंदर ऑक्सीजन लेते हैं बाहर कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ देते हैं, तो ये भी जो है हमारा कौन सा प्रोसेस है, केमिकल रिएक्शन इन डेली लाइफ है। हमारे पास थर्ड है रस्टिंग ऑफ आयरन। वेल, मैंने लास्ट लेक्चर में रस्टिंग ऑफ आयरन की बात की थी कि आप आयरन का जो है कोई पीस अगर बाहर रखोगे इन प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर एंड एयर,
कुछ वक्त के बाद देखोगे आपकी जो आपका आयरन है उसके ऊपर जंग लग गया होता है, उसके ऊपर एक कोट होती है ब्राउन कलर की, उस कोट को हम रस्ट बोलते हैं। तो ये जो रस्टिंग ऑफ आयरन है ये डेली लाइफ एग्जाम्पल है, दिस इज ऑल्सो अ केमिकल रिएक्शन। अनदर वन इज फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, दही, दही बनाना, जो कि यूजुअली हम लोग घरों में बनाते हैं। दिस इज जस्ट अ वेरी लाइक कॉमन एंड अ डेली लाइफ एग्जाम्पल। जैसे आप जो दही को बना रहे हो, आपका जो इनिशियल रिएक्टेंट होता है वो क्या होता है, आपका दूध होता है, साथ में जो हम उसके अंदर वो फटकरी डालते हैं, उनके बीच में रिएक्शन होती है। हमारा रिएक्टेंट दूध होता है और वो एक और जो फटकरी होती है, उन दोनों के बीच में रिएक्शन होती है और हमारा जो फाइनल प्रोडक्ट होता है वो हमारा कर्ड होता है। ऑल राइट, I am trying to make it as simple as possible, like telling you the names of all the substances in very simple language. क्योंकि मुझे पता है आप में से जो काफ़ी बच्चे हैं वो नॉन साइंस बैकग्राउंड के हैं, तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं लेक्चर्स को बहुत सिंपल रख पाऊँ कि सब बच्चों को जो है वो समझ आ पाए। आप में से काफ़ी बच्चे ऐसे भी होंगे जिन्होंने केमिस्ट्री पढ़ी होंगी, तो उनको शायद लगता भी होगा कि मैम बहुत सिंपल करके करवा रही है, बट हमें सारे बच्चों का ध्यान रखते हुए जो है लेक्चर्स बनाने पड़ते हैं। ऑल राइट, इसके आगे हमारा जो है वो केमिकल चेंज है। जैसे मैंने कहा पहले, आपको थोड़ी देर पहले कहा था कि केमिकल चेंज के बारे में आपसे एग्जांपल पूछा जा सकता है, बताइए इसमें से जो है केमिकल चेंज कौन सा है। तो हमें पता होना चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल केमिकल चेंज होता क्या है। मैंने लिखा है इट इन्वॉल्व्स द रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स, एटम्स के बारे में हमने बात की है, एटम्स वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स इन द मैटर, उसके बारे में बात की है हमने। इट इन्वॉल्व्स द रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स, केमिकल चेंज में जो है आपके एटम्स का रीअरेंजमेंट होता है, जो भी आपका सब्सटेंस होगा, जो भी आपका रिएक्टेंट होगा, उसके जो एटम्स है उसमें रीअरेंजमेंट होता है। एंड द चेंज इन देयर केमिकल प्रॉपर्टीज और कंपोजिशन, उसकी जो प्रॉपर्टीज है या उसका जो कंपोजिशन है वो बिल्कुल चेंज रहता है। जैसे हमने वुड की अभी एग्जांपल ली थी, बर्निंग ऑफ अ वुड, पहले बर्निंग ऑफ वुड से पहले हमारे पास वुड था और ऑक्सीजन था, लेकिन आफ्टर प्रोडक्ट हमारे पास क्या है, ऐश है। तो प्रॉपर्टीज बिल्कुल चेंज है, जो आपकी वुड की प्रॉपर्टी है, जो आपकी ऐश की प्रॉपर्टी है वो बिल्कुल डिफरेंट है। यहाँ आप कंपोजिशन की बात कर सकते हो, दोनों की कंपोजिशन जो है आपको डिफरेंट मिलेगी। या जो हमने अभी एग्जांपल ली थी डाइजेशन ऑफ फूड, जो आप पहले फूड लोगे जो उसकी प्रॉपर्टीज होगी, जो आफ्टर इसका प्रोडक्ट होता है जो हमारी बॉडी में जाके एनर्जी मिलती है, वो उसकी प्रॉपर्टीज जो है वो डिफरेंट होगी। सो केमिकल चेंज को आप कैसे पहचानोगे, जो आपका बिफोर रिएक्टेंट होगा और जो आफ्टर प्रोडक्ट होगा वो दोनों डिफरेंट होंगे, उनकी कंपोजिशन डिफरेंट हो सकती है, मोस्ट ऑफ टाइम्स हो सकती है। जैसे मैंने कहा था स्टेट जो है चेंज इन स्टेट हो सकता है, जरूरी नहीं है हमेशा हो, और इनका जो केमिकल कंपोजिशन है वो नेसेसरली चेंज होता है, केमिकल कंपोजिशन जो वो नेसेसरली चेंज होगा। ये किस में होता है, ये केमिकल चेंज में होता है। एग्जाम्पल मैंने अगेन ये डाला है बर्निंग ऑफ वुड एंड कुकिंग, आई बिलीव दीज आर वेरी सिंपल एग्जाम्पल्स फ्रॉम आर डेली लाइफ, सो आई डोंट थिंक यू गाइज वुड हैव प्रॉब्लम विद दीज एग्जाम्पल्स। जैसे बर्निंग ऑफ वुड, क्या आप ऐश को वापस वुड में कन्वर्ट कर सकते हो विद एनी फिजिकल मेथड? नो वी कांट, इवन नॉट विद एनी अदर मेथड, वी कांट चेंज ऐश बैक टू द वुड, राइट? या कुकिंग, जो हम खाना बनाते हैं, जो आपने कुक कर लिया, क्या आप वापस उसको कन्वर्ट कर सकते हो जैसे ये पहले रॉ फॉर्म में था? नहीं कर सकते हो, राइट? सो केमिकल चेंज आपकी वो चेंज होती है जिसमें जो है आपका कंपोजिशन जो है बिल्कुल चेंज हो जाता है। ऑलराइट, फिजिकल चेंज, अब दूसरा हमारा फिजिकल चेंज है। फिजिकल चेंज के लिए क्या कहा जाता है, ये सिर्फ इफेक्ट करता है किसको, फॉर्म ऑफ सब्सटेंस को, स्टेट ऑफ सब्सटेंस, बट नॉट इट्स केमिकल कंपोजिशन। ये जो है, जो हमारे पास सब्सटेंस होगा उसका साइज, उसका शेप, उसका कलर, यानी एक्सटर्नल अपीयरेंस, जितनी भी चीज़ें होंगी वो चीज चेंज कर सकता है, बट उसकी कंपोजिशन में कोई डिफरेंस नहीं होगा। सपोज इफ आई टेल यू अबाउट एन एग्जाम्पल, जैसे बॉइलिंग वाटर, ओके, वाटर को हमने बॉइल किया, आपका वाटर जो है वो वेपर्स में कन्वर्ट हो गया, सिर्फ स्टेट चेंज हुआ है गाइस, सिर्फ स्टेट चेंज हुआ है, मतलब पहले वाटर जो है वो लिक्विड फॉर्म में था, अब वाटर जो है वेपर फॉर्म में है। अगर मैं मेल्टिंग ऑफ आइस की बात करूं तो आपके दिमाग में क्या आएगा, कौन सा चेंज है ये, क्या ये फिजिकल चेंज है, क्या ये केमिकल चेंज है? अगेन मैं ये बोलती हूँ कि अगर सपोज मैं आइस को लेती हूँ, आइस को मैंने मेल्ट करवा दिया, पहले आइस जो था वो सॉलिड फॉर्म में था, बाद में जो है ये लिक्विड फॉर्म में आ गया, बट दोनों टाइम था तो वाटर ही था, तो ये वाटर ही, बस स्टेट दूसरा था, क्या कंपोजिशन बदली? नहीं बदली। जब आपकी कंपोजिशन नहीं बदलती है, एंड मैक्सिमम टाइम्स आपका जो प्रोसेस है वो रिवर्सिबल होता है, रिवर्सिबल यानी वापस आप उस स्टेट में आ सकते हो, तो आपकी जो चेंज होती है वो फिजिकल चेंज होती है। ऑलराइट, इसके बाद मैंने एक लॉ लिखा है, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, एक्चुअली यू शुड नो इट, मे बी इस पर कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मास ये दिया हुआ है, ये लॉ दिया हुआ है एंटोनी लेविजर ने,
इसके बारे में डेफिनेशन क्या है? मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन डेली लाइफ, इट कैन जस्ट बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म इन टू अनदर फॉर्म। ऐसे डेफिनेशन बोलने में तो आई थिंक आप में से काफी लोगों को ये ऑलरेडी याद होगा और बोलने में भी अच्छा लगता है, मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, बट समझ होनी चाहिए कि वॉट इट एग्जैक्टली सेज। अभी बर्निंग ऑफ वुड की एग्जाम्पल मैं पिछले एक दो लेक्चर से कर रही हूँ, मैं उसी पे इस एग्जाम्पल को जो है सिंप्लीफाई कर देती हूँ कि इस लॉ का जो है मतलब क्या है उसमें। जैसे आपने वुड को लिया और वुड को जो है बर्न कर दिया, अब वुड का अपना कोई मास होगा या चारकोल का अपना कोई मास होगा और ऑक्सीजन जो उसके साथ बर्निंग में हेल्प कर रहा है उसका कोई मास होगा। जो आफ्टर प्रोडक्ट आता है आपका ऐश, जो आपका आफ्टर प्रोडक्ट आता है ऐश, आपको लग रहा होगा कि अगर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है कि जो रिएक्टेंट्स का मास है वो हमेशा प्रोडक्ट्स के बराबर होना चाहिए, जो रिएक्टेंट्स का मास है वो हमेशा प्रोडक्ट्स के बराबर होना चाहिए, तो क्या ऐसा है जो हमारे पास पहले वुड था और जो ऑक्सीजन उसके साथ मिक्स हुआ, जो हमारे पास बाद में ऐश बचा है, क्या इन दोनों का मास बराबर है? आपको ये क्वेश्चन होगा ना कि उस ऐश में तो मास नहीं है। लेकिन आप एक चीज भूल जाते हैं कि देयर इज एन एवोल्यूशन ऑफ गैस एज वेल। जब आप वुड को जलाते हो कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बाहर आती है, उस कार्बन डाइऑक्साइड का भी कोई अपना मास है, वाटर वेपर्स बाहर आते हैं उनका भी कोई मास है। सो द बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस पॉइंट इज कि मास जो है आपका रिएक्टेंट साइड, एक रिएक्शन के रिएक्टेंट साइड जितना मास होता है हमेशा प्रोडक्ट के साइड भी उतना ही होगा, हमेशा होगा। अगर नहीं होगा तो ये जो है ये वेरीफाइड नहीं है, कोई भी केमिकल रिएक्शन वेरीफाइड नहीं है जब तक उसमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ना लगे। मास आप कभी भी जो है यू कैन नेवर डिस्ट्रॉय इट एंड यू कैन नेवर क्रिएट इट, यू कैन जस्ट ट्रांसफॉर्म इट। आप इसे सिर्फ ट्रांसफॉर्म कर सकते हो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में। अगेन मैं ये एग्जाम्पल के लिए बोल रही हूँ, जैसे आपने वुड को बर्न किया, चारकोल को बर्न किया, जो आफ्टर एशेस होंगे आपकी नज़र से आपको लग रहा होगा कि जो मास है वो सेम नहीं है, बट ऐसा नहीं है। देयर इज अ एवोल्यूशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड देयर आर वाटर वेपर्स एज वेल। तो अगर आप ओवरऑल देखेंगे जो आपका पहले चारकोल प्लस ऑक्सीजन का जो मास होगा वो बराबर होगा कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर्स एंड जो एशेस है। ओके, सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स और सब्सटेंस इन्वॉल्व इन केमिकल रिएक्शन शुड रिमेन सेम एट रिएक्टेंट प्रोडक्ट साइड। ये मैंने आपको बोला कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंग क्या होता है, जो हमारे रिएक्टेंट साइड से जो रिएक्टेंट्स होंगे, अगेन रिएक्टेंट्स याद आया ये वाला कार्बन ऑक्सीजन, ये हमारे रिएक्टेंट्स, जो ये रिएक्टेंट्स होंगे इनका जो मास है वो हमेशा बराबर होना चाहिए प्रोडक्ट्स के। और अगर हम जैसे डेली जब हम कोई यूजुअली कोई आप रिएक्शन लिखोगे, ज़रूरी नहीं है वो बैलेंस्ड हो, आपको बैलेंस करना पड़ता है। बैलेंस क्यों करना पड़ता है? जस्ट फॉर दिस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। आगे मैं बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशंस जो है एक टॉपिक लेकर आऊँगी ताकि आपको ये चीज़ जो है वो क्लियर हो जाए। देन देयर इज टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, कुछ केमिकल रिएक्शंस के कुछ टाइप लिखे हैं मैंने, आप वो देखिए। जैसे पहला मैंने टाइप लिखा है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन आपको वर्ड से ही समझ आ रहा होगा, जब एक से ज़्यादा सब्सटेंस जो है आपस में कंबाइन करते हैं, रिएक्शन इन विच टू और मोर सब्सटेंसेस और रिएक्टेंट्स कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट। जब एक या एक से ज़्यादा सब्सटेंस या रिएक्टेंट्स रिएक्ट तो करते हैं लेकिन प्रोडक्ट एक ही सिंगल प्रोडक्ट आता है, ऑलराइट, प्रोडक्ट जो है वो बिल्कुल सिंगल आता है। जैसे मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल ली है सी, सी स्टैंड्स फॉर कार्बन, O2, this is oxygen and our product is carbon dioxide, okay? Then there is decomposition reaction. Decomposition reaction में definition लिखी हुई है, in this reaction, a compound splits into two or more substances. हमारा जो compound होगा वो एक या एक से ज़्यादा further products में जो है वो decompose हो जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पर example दी है water की, आपको पता है water जो हमारा oxygen और hydrogen से बनता है, जब हम वाटर में से इलेक्ट्रिक करंट पास करवाएंगे तो हमारा जो रिएक्टेंट्स है, जो हमारे एक्चुअल रिएक्टेंट जिससे हमारा ये बना हुआ था, तो ये वापस स्प्लिट होके हाइड्रोजन में आएगा और ऑक्सीजन में बनेगा, ऑलराइट। सो डिकम्पोजिशन रिएक्शन में हमारा जो है कोई भी कंपाउंड जो है स्प्लिट करता है एक या एक से ज़्यादा प्रोडक्ट्स में या सब्सटांसेस में, ऑलराइट, क्लियर। तो थर्ड वन इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अगर आप वर्ड को ही देखोगे, इनफैक्ट आई थिंक आई बिलीव दिस आर वेरी सिंपल, कॉम्बिनेशन टू कंबाइन, डिकम्पोजिशन टू डिकम्पोज एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट में क्या कहा जाता है, जब एक रिएक्टेंट दूसरे रिएक्टेंट को उसके कंपाउंड से डिस्प्लेस करे, जब मतलब अगर मैं इससे भी ज़्यादा सिंपल लैंग्वेज बोलूँ, जब एक बंदा जो है दूसरे बंदे की जगह ले ले उसे हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। रिएक्शन इन विच मोर
रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट इन इट्स सॉल्यूशन। जब एक सॉल्यूशन के अंदर ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट जो है लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस करे। अब ये कौन रिएक्टिव है कौन रिएक्टिव नहीं है ये डिपेंड करता है रिएक्टिविटी सीरीज पे, जो आपका टॉपिक नहीं है फॉर नाउ। एग्जाम्पल मैंने लिखा है यहाँ पे Fe, दैट इज आयरन, आयरन। और ये जो मैंने ब्रैकेट में जहां जहां किसी केमिकल इक्वेशन में ब्रैकेट में डाला हुआ ये इनका स्टेट है। सो Fe के ब्रैकेट में मैंने S डाला है, दैट मीन्स द सॉलिड। जब आयरन को मैंने रिएक्ट करवाया, दिस Fe इज आयरन, इसका सिंबल है, आयरन का सिंबल है ये Fe, एंड CuSO4, Cu स्टैंड्स फॉर कॉपर, SO4 स्टैंड्स फॉर सल्फेट, एंड ये जो आपका सब्सटेंस है ये है कॉपर सल्फेट। ओके, तो हमारे पास दो रिएक्टेंट्स है, एक है कॉपर सल्फेट और हमारे पास है आयरन। ये जो आयरन है ये कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, आयरन जो है कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, या मैं सिंपल लैंग्वेज में बोलूं आपका आयरन जो है बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, वो कॉपर को उसके घर से बाहर निकाल सकता है। इज इट क्लियर? आई थिंक लाइक दिस शुड बी वेरी सिंपल नाउ, कि आयरन जो है बहुत स्ट्रांग है, ये कॉपर सल्फेट को, कॉपर को जो है कापू कॉपर सल्फेट में से बाहर निकालेगा और उसकी जगह ले लेगा। सो हियर इट गोज कि Fe जो था, आयरन जो था, उसने कॉपर सल्फेट में से कॉपर को बाहर निकाला और खुद उसके साथ प्रोडक्ट बनाया आयरन सल्फेट, और हमारा एक और जो है कॉपर जो था वो लेस रिएक्टिव, वो डिस्प्लेस हो गया। सो गाइज, दिस वॉज ऑल अबाउट टूडेज लेक्चर। मैं सिलेबस को ध्यान रखते हुए आपको सारी चीज़ें क्लियर करवा रही हूँ। आई होप आई कैन कवर ऑल द MCQs एंड आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू डू इट। एंड एट द सेम टाइम मैं नॉन साइंस बैकग्राउंड स्टूडेंट्स को देखते हुए मैं आई ट्राई टू कीप द थिंग्स वेरी सिंपल। सो बेस्ट ऑफ लक एंड प्लीज कीप रिवाइजिंग। थैंक यू।